हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को आना चाहिए कि किस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकाल सकते हैं। तो इसके पहले निकालने से पहले कुछ बातें जो हैं समझने वाली हैं। अगर उन बातों को हम समझते हैं तो आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको निकालना आपके लिए मतलब बस चुटकियों का काम रहेगा। मतलब देख करके आप बता पाएंगे कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेगा। बस समझना है कि कैसे निकलता है, क्या इसके पीछे थीम है, इस बात को बस समझना होगा। जब देखते हैं रसा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हमारा अगला वीडियो है उसी सीरीज़ में। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी होता है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या देखते हैं कि एक इसमें होगा मेटल आयन या एटम, जो भी आप कहते हो ऐसा, और साथ ही साथ दूसरा पोर्शन इसका जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लिगैंड होगा, लिगैंड ऐसा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगैंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हम सभी जान रहे हैं। यानी हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई ऐसे एम लिखते हैं और उसके साथ क्या लिखते हैं, लिगैंड लिखते हैं ऐसा। अब लिगैंड अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा, और अगर एटम के फॉर्म में है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इस पूरे को क्या करते हैं, एक बड़े से ब्रैकेट में रखते हैं हम इसको। इस पूरे पोर्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए होता क्या है कि जो मेटल है, ये मेटल क्या है, जो लिगैंड है, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है ऐसा। और अगर ये लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब है ऐसा लिगैंड जो एक जगह से क्या है, मेटल के साथ अटैच्ड है। मतलब मोनोडेंटेट का मतलब कि ये जो है केवल वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऐसा। तो जो मेटल आपका है ये क्या पाता है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से पाएगा। एक पेयर का मतलब कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है ऐसा। तो अगर मेटल है तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से पाएगा, और ये मेटल जो है इस लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना लॉस करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मेटल जो होता है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो प्लस वन आता है, प्लस टू आता है, प्लस थ्री आता है, इस तरीके से आता है। यानी मेटल के ऊपर हमेशा चार्ज कैसा आता है, प्लस का चार्ज आता है। जब मेटल के ऊपर चार्ज प्लस है इसका मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। कितनी संख्या में कम हो रहा है, जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उतनी संख्या में कम होगा ऐसा। तो दो चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो मेटल है जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो लिगैंड से क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, एक लिगैंड मोनोडेंटेट का है तो उससे कितना लेगा, वन लोन पेयर। एक लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब दो। बाइडेंटेट है तो कितना हो जाएगा, बाइडेंटेट का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाएगा, और दो लोन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दो लोन पेयर का मतलब दो गुणे दो हो जाएगा, यानी चार इलेक्ट्रॉन पाएगा। और वन लोन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वन लोन पेयर है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है। ऐसे ट्राइडेंटेट होगा, अगर मान लेते हैं ट्राइडेंटेट है यानी ट्राई थ्री लोन पेयर मान लीजिए पा रहा है ऐसा, तो अगर तीन लोन पेयर पा रहा है तो थ्री ग्रेड ऐसा हो जाएगा। यानी जिस तरीके का लिगैंड होगा उतना इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को मिलेगा। हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना होता है, हमको ये कैलकुलेट करना होता है कि जो मेटल है अगर लिगैंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो अब उसका एटॉमिक नंबर कितना रह गया है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई है। इसी को हम निकालते हैं किस में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में।
तो अगर इसको हमें निकालना है तो हमें तीन चीज़ें बस चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? एक हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो मेटल आप देख रहे हैं इस मेटल का अपना एटॉमिक नंबर कितना है। पहला चीज़ ये चाहिए, पहला चाहिए एटॉमिक नंबर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए कि जब ये लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल रहा है, ऐसा यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। और तीसरी क्या आवश्यकता है, तीसरी हमें यह पहचानना पड़ता है कि जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, ट्राईडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है। जिस तरह का लिगेंड होगा उस तरीके से इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। तो अगर ये तीन चीज़ें आप समझ पा रहे हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही आसान है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि भाई जितने आपके मेटल्स हैं उनका तो ये आना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर यही नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या देखने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा ये है कि आप अगर थोड़े में काम चलाना चाहते हैं कि भाई ठीक है कुछ याद कर ले तो काम चल जाएगा, तो उसके लिए जब देख लेते हैं कि कुछ को आपको कुछ मेटल हैं ऐसे ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जिनका अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। देखिए कहाँ से याद कर लीजिए, बस केवल 21 से, एटॉमिक नंबर 21 से। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, आपको याद कहाँ से करना है, एटॉमिक नंबर देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। लगभग 90% एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन्हीं में से आएगा। ऐसा एक दो इधर उधर हो सकते हैं, उसको देख लिया जाएगा, लेकिन इन एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एलिमेंट कौन है, अगर ये एटॉमिक नंबर्स हैं तो इनके बस एलिमेंट का नाम याद रखिएगा, एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट का मैं सिंबल क्यों लिख दे रहा हूं, जैसे 21 है तो क्या होता है भाई स्कैंडियम, 22 है तो क्या होता है टाइटेनियम, 23 है तो वैनेडियम, 24 है तो क्रोमियम, 25 है तो मैग्नीज, 26 है तो आयरन, 27 है तो कोबाल्ट, 28 है तो निकिल, 29 है तो कॉपर और 30 है तो जिंक। ऐसे तो मैंने एक एटॉमिक नंबर लिख दिया और एलिमेंट लिख दिया है, तो ये बहुत जानना आपको ज़रूरी है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं, तो फार्मूला भी लिख लेते हैं कि अगर हमको निकालना है क्या निकालना है, हमें निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऐसा तो सबसे पहले क्या करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा क्या चीज भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, जो आपको यहां से पता चल जाएगा। अब क्या होगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर, भाई उतना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वो माइनस रहेगा, यानी माइनस क्या करना होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना होगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ कर लीजिएगा, ऐसे ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर एक साथ ऐसे कर लेंगे ऐसे। और प्लस क्या करना होगा, जुड़ेगा क्या, जो लिगेंड से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ऐसा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप पूरे फार्मूले को
अपने से फ्रेमवर्क कर सकते हैं। तो यही बस होगा, एटॉमिक नंबर लिखिएगा, उससे उसके ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दीजिएगा और लिगेंड जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको उसमें जोड़ लीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम फार्मूले को भी लिख सकते हैं और ये छोटा सा एटॉमिक नंबर का ये देख सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं, तब बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि हमारा कहने का मतलब क्या है। अब इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं और उन एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालते हैं। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सारे को अलग अलग ना करके हमने कॉलम में डिवाइड कर रखा है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, तो सारे इफेक्टिव नंबर जो हैं आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। देखिए हमने कैसे कॉलम बनाए हैं, तो पहले में हमने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स। दूसरे में सेंट्रल मेटल एटम, अब हम ढूंढेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तीसरा जो कॉलम है उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, यानी जब आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगेंड, इलेक्ट्रॉन लिगेंड से कितना मिल रहा है, ये हम कहां लिखेंगे, यहां। और फिर फार्मूले की सहायता से EN को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप भी क्या कर सकते हैं, कॉपी पे इस तरीके से कॉलम वाइज बना सकते हैं। फिर हम एक एक करके क्या है, ढेर सारे कंपाउंड्स को देखेंगे कि उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरीके से हो रहा है। फिर से मैं कहूँगा, ऐसे बच्चे जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतने एटॉमिक नंबर और उनके एलिमेंट के नाम आप याद कर लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर एंड जिंक, और उनके एटॉमिक नंबर इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब जब देखते हैं इसमें करते हैं, इसमें आगे करने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है, तो सेंट्रल मेटल एटम कैसे ढूंढते हैं, इसका तरीका मैंने बताया है। ये देखिए, ऐसा ब्रैकेट जब लगा हो और इस ब्रैकेट में जो सबसे पहली पोजीशन है, किस साइड से, आपके इस साइड से, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर जो है वो जो आपका होगा, यही हमेशा मेटल होता है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप लगाते हैं, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, इसका जो पहला पोजीशन है उसको मेटल के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला कौन है, तो ये ब्रैकेट पहचानिए और पहला देखिए कौन है, आयरन है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा भाई, सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, आयरन है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा 26। अच्छा, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, इसका मतलब है आयन के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट किए हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना, मैंने इससे पिछली वाली क्लास में बताया है, ऐसे बच्चे जो नहीं देखे हैं वो जाकर के फिर से पुराना वीडियो देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है, कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्या है लिखा है, K4 and FeCN6, ऐसा। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको वैसे ही लिख दीजिए, पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, 1 आता है, तो पोटेशियम के कितने एटम है, 4 एटम है, तो यानी कितना हो गया, एक एटम पर एक का चार्ज है तो 4 एटम पर कितना हो जाएगा, 1 × 4, ऐसा। प्लस देखिए इसका निकालना है क्योंकि यही हमारा क्या है, यही सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसको x लिखते हैं, ऐसा। और CN पे देखिए तो CN पर -1 का चार्ज होता है, इसको भी मैंने आपको एक टेबल बना के बताया हुआ है इसकी पिछली क्लासों में, तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस पर -1 का चार्ज है। अब देखिए क्या है, प्लस, हमेशा प्लस की साइन लगेगी। अब देखिए -1 एक CN पर चार्ज है, कितने आइटम है, 6 आइटम है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 × -1, और ये सब कुछ बराबर कितने के है, 0 के है, क्यों, कि इसके
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। यानी ये हो गया 4 + x, 6 का -1 में गुणा होगा तो -6 = 0, ऐसा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 + x, 6 को इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, और x बराबर 6 - 4 = +2, ऐसा। यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस्ट कितना हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट की संख्या कितनी है भाई, 2 की संख्या है। जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, +2 आ रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगैंड, लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CN है, ये CN है, CN में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। और कितना पेयर डोनेट करता है, तो ये केवल जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, मोनोडेंटेट है, इसलिए इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना दिया जाएगा, एक पेयर दिया जाएगा। यानी एक CN के द्वारा एक पेयर, यानी एक CN के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने CN है, 6 है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो 6 × 2 = 12, यही ना हुआ भाई। भाई एक CN एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और 6 की संख्या में है तो 6 × 12, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब फार्मूला लगा लीजिए, EN निकाल लीजिए। EN निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई देखिए, इसका एटॉमिक नंबर लिखा करिए, फिर क्या करिए, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से माइनस कर दीजिए, ये काम कर लीजिए, और प्लस कर दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन ये पाया है, ऐसे। तो ये कितना हो गया भाई, 26 में से 2 गया, ये हो गया कितना भाई, 24, और 24 में कितना जोड़ दिया जाए, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 36, ऐसा। तो ये 36 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए इसका आपने निकाल लिया, 36 आ रहा है। अच्छा, अब देखिए अगले का निकाल के देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट देखिए, इसको सब हटा दे रहे हैं, ये सब रफ काम था, यहाँ पे हम निकालना सीख रहे थे यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको देखते हैं, देखिए CuNH3 का होल 4 SO4, और कोई चार्ज वार्ज नहीं लगा है। अच्छा ठीक है, तो इसको अगर हमें निकाल के देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ सब बड़ा सा लिख दे रहे हैं आपके लिए, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या है कंपाउंड। देखिए ऐसा कंपाउंड, ऐसा। अब पहले खोजना है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो भाई कौन है, कॉपर है, तो यानी क्या लिखा जाएगा, कॉपर। अच्छा देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 29, तो 29 लिखिए, ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका एक्स हो गया, इसका 0 होता है NH3 पे चार्ज, तो ये हो गया 4 × 0। सल्फेट आयन पे -2 होता है, एक ही है, तो यानी -2 = 0, कोई चार्ज देखिए ऊपर नहीं लगा है, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब है, अब x − 2 = 0, x = 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे। यानी कहने का मतलब है, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है उसकी संख्या 2 है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसे मिटा दें, देख लीजिए, तो इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगैंड, इलेक्ट्रॉन कितने पाया रहा है ये, तो अब पहचानिए। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है आपका, देखिए CuNH3 का होल 4 एंड SO4 था, देखिए ये भी मोनोडेंटेट है और ये भी लिगैंड जो है मोनोडेंटेट है, ये दोनों मोनोडेंटेट हैं, मतलब कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही देते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि NH3 जो होगा वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, यानी एक NH3 वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। वन लोन पेयर का मतलब एक जोड़े का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इसके हैं, 4 हैं, तो 4 अगर हैं, एक अगर 2 देता है तो कितने होगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सल्फेट भी क्या करता है, एक पेयर ही देता है, तो सल्फेट भी मोनोडेंटेट है। सल्फेट के कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एक है, यानी अगर सल्फेट की बात की जाए तो ये कितना देगा, ये भी देगा आपका 1 लोन पेयर, यानी बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं, 8 यहाँ से मिल रहा है और 2 यहाँ से मिल रहा है, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं कितनी संख्या में, 10 की संख्या में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ऐसा।
तो अगर 10 की संख्या में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो फिर से फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो फिर से फार्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए 29 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए होंगे एंड प्लस 10 ये होना चाहिए ऐसा। 29 में से 2 निकाल दिया 27 हो जाएगा, 27 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 37, यानी इसके लिए कितना आएगा, इस कंपाउंड के लिए कितना आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 37 आएगा ऐसा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, इसमें ऐसा सभी के निकाल सकते हो, हमसे भी तेज आप निकालिए। अब देखिए इसमें, देखिए इसको देखते हैं, ये है आपका कोबाल्ट NH3 का 6 एंड Cl3 ऐसा है। अब सेंट्रल मेटल एटम पहचान गए हैं, अभी कोबाल्ट है ये। अब कोबाल्ट देखिए यहाँ से देखिएगा 27 है, देखिए 27 है तो 27 लिख दीजिए इसका ऐसा। जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये हो गया X, NH3 पहले भी आया है, 0 होता है तो इसका मतलब है 6 × 0 ऐसा। और ये बराबर कितने की होगा, तो ये बराबर देखिए, अब देखिए Cl पे माइनस चार्ज होता है ऐसा, देखिए यहाँ पे Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, एक Cl पे, तो 3 Cl पे कितना हो जाएगा, 3 Cl पे मतलब 3 निगेटिव चार्ज हो जाएगा ऐसा। अब जितना ये निगेटिव चार्ज आता है, काउंटर आयन, एक काउंटर आयन कहलाता है, उतना ही चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा, लेकिन अपोजिट आएगा। जैसे माइनस 3 है तो यहां पे जो चार्ज लिखा जाएगा वो प्लस 3 लिखा जाएगा, नंबर बराबर होगा, 3-3 बराबर है, लेकिन काउंटर आयन अगर माइनस 3 है तो यहां पे प्लस 3 आता है। यानी कहने का मतलब है कि जो काउंटर आयन ये बन रहा है, देखिए ऐसे CO NH3 का होल 6, इसके ऊपर चार्ज लिखाएगा प्लस 3, इसी प्लस 3 चार्ज को Cl ने बैलेंस किया है, तभी देखिए कोई चार्ज यहां पर नहीं लिखा गया है। तो यानी काउंटर आयन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस 3 का, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा प्लस 3 के ऐसा। तो यानी अब क्या होगा, अब अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे ऐसा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे, ये इसका था, इस वाले का हटा दे रहे हैं इसको यहां से ऐसा, और इसका आंसर आया था 37, यहां लिख दे रहा ऐसा। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे इस 27 में से, अब कितना इसने गेंड किया है इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए। देखिए एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो अगर भाई 6 है तो कितना देगा, तो 6 × 2 = 12, ये NH3 दे रहा है। और भी कोई लिगेंड है क्या अंदर, नहीं लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन नहीं कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा केवल 12 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए 27 माइनस 3 और प्लस 12, ये हुआ इतना ही इलेक्ट्रॉन है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि सब कंपाउंड बनाने के बाद मेटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वही काउंट हो रहा है। तो देखिए 27 में से 3 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 24, और 24 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 36 आ गया। तो ये 36 किसका होगा, इस कंपाउंड के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, तो ऐसे यहां से हम इसका कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं 36, यहीं पर लिख दे रहे हैं 36, इस लाइन को भी हटा दे रहे हैं यहां से, तो ये लाइन भी हट जाएगी। देखिए अब अगले को आते हैं, अगला देखिए क्या है, अगला कंपाउंड फिर मैं यहां से लिख देता हूं बड़ा करके, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ऐसा है। अब सबसे पहला कौन है भाई, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्या ये मेटल एटम है, नहीं है, कैसे देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला आएगा वही है, यानी क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्रोमियम को लिखिए। अब क्रोमियम देखिए कितना है, 24 है, एटॉमिक नंबर 24 लिख दीजिए क्रोमियम का ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, देखिए सोडियम पे प्लस 1 चार्ज है तो 2 है तो यानी 2 हो गया ऐसे, एक सोडियम पे प्लस 1, तो भाई 2 सोडियम के अगर आयन हैं तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं हो जाएगा, हो गई इसको निकालते तो इसको x कर लीजिएगा। एक फ्लोरीन पे माइनस 1 का चार्ज है, 4 है तो इसका मतलब 4 × -1 ऐसा,
ऑक्सीजन पर माइनस टू का चार्ज है, केवल एक एटम है तो यानी माइनस टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी सब बराबर जीरो के। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो गया टू प्लस एक्स माइनस फोर माइनस टू बराबर जीरो हो गया, यानी टू प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स माइनस छः बराबर जीरो ऐसा। और अगर इसी को देखें तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो ये माइनस हो जाएगा और एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस चार। यानी यहां पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो प्लस चार है, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा जाएगा प्लस चार, यानी खाली चार लिख दे रहे हैं, मतलब चार इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट करेगा ऐसा। अच्छा भाई इलेक्ट्रॉन इसे कितना मिल रहा है इसको देखिए, अब लिगैंड पहचानिए तो ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के बाकी सब लिगैंड है, बात क्लियर है। तो देखिए फ्लोरीन जो है ये कितना देगा, ये देगा एक लोन पेयर, वन लोन पेयर, कितने हैं भाई चार हैं, तो अगर चार है तो मतलब चार गुणे दो बराबर आठ देगा, आठ इलेक्ट्रॉन ये दिया। एक ऑक्सीजन भी एक पेयर देगा, ये भी मोनोडेंटेट है तो इसका मतलब दो ये भी देगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दस। तो यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेंड कितना करेगा दस ऐसा। अब कैलकुलेट कर लीजिए सभी को, हटा दीजिए आप इसे, हटा दे रहे हैं देखिए, अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है भाई देखिए 24 इसका खुद का है, चार इसने लॉस्ट कर दिया ऐसा, और 10 इसको मिल रहा है ऐसा, तो ये 20 हो जाएगा, 20 10 30 ऐसा ये आएगा इसका, इसका क्या आएगा ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वही है इसका ये। अगला देखते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए K4 है NiCN4 ऐसा, निकिल है सेंट्रल मेटल एटम तो लिख दीजिए भाई निकिल है, निकिल का देखिए कहाँ गया निकिल 28 है तो निकिल का लिखिए भाई 28 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 है ऐसा, ये 28 हो गया इसका U। अब चलो भाई इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं क्या था K4 NiCN4 ऐसा। अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, निकालते हैं देखो तो K पोटेशियम पर प्लस वन तो इसका मतलब चार है तो चार हो गया, निकिल इज अ एक्स, CN पर माइनस वन होता है तो चार अगर है तो माइनस वन और सब जीरो के बराबर है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कहने का मतलब है 4 प्लस एक्स माइनस चार बराबर चार से चार कैंसिल x बराबर जीरो, यानी यहाँ पर निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी कोई इलेक्ट्रॉन इससे माइनस नहीं करना है। कितने इलेक्ट्रॉन ये पा रहा है लिगेंड से, एक CN एक पेयर देता है, CN मोनोडेंटेट है तो चार का मतलब आठ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना पा रहा है आठ, यानी आठ इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, यानी अब कहने का मतलब है कि निकिल का अब निकाले EAN तो 28 है माइनस जीरो प्लस कितना होगा आठ, 28 में आठ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36, यानी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 36 के बराबर आएगा, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है भाई 36 आ रहा है। इस लाइन को थोड़ा सा हम चौड़ा कर दे रहे हैं तो ये बार बार अलग से हमें लिखना नहीं पड़ेगा तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं ऐसे, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, अब सही है देखिए तो इसका भी निकल गया। अगला आते हैं अगला एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल करते हैं, छठा एग्जाम्पल आप भी करिए अपनी कॉपी पे देखिए। अब ये प्लेटिनम के साथ है, अब थोड़ा सा ही अलग आया, प्लेटिनम का केस ही ऐसा है कि जब आपको थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा, तो अगर प्लेटिनम का केस है तो प्लेटिनम के लिए हम जो है यहाँ पे अभी निकालने वाले हैं, तो एक मिनट रुक जाते हैं, प्लेटिनम का 78 है, हाँ ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा, प्लेटिनम का है 78 एटॉमिक नंबर ऐसा। तो अब देखते हैं प्लेटिनम NH3 एंड CL4 ऐसा है। अब ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ठीक है, तब देखो इसका निकालना है तो ये X है, यही सेंट्रल मेटल एटम भी है तो प्लेटिनम भाई सेंट्रल मेटल एटम भी है, इसका 78 होता है एटॉमिक नंबर तो इसका एटॉमिक नंबर 78 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं भाई 78 लिख देते हैं तभी करते हैं 78।
अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं, चलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, चलो यहाँ निकाल देते हैं इनका। तो ये हो गया पी टी एन एस थ्री सी एल फोर, सब ब्रैकेट के अंदर है। इसको x माना जाएगा, x ये जीरो हो जाएगा, एन एस थ्री पे जीरो चार्ज है तो टू इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस सी एल पे माइनस वन है तो चार अगर है तो माइनस वन, और सब कुछ बराबर जीरो के है ऐसा, यानी x माइनस चार बराबर जीरो, x बराबर चार के, यानी जो इलेक्ट्रॉन इससे लॉस्ट होंगे उसकी संख्या चार होगी ऐसा। कितने इलेक्ट्रॉन पा रहा है लिगेंड से, तो एन एस थ्री मोनोडेंटेट है, एक पेयर देगा एक एन एस थ्री, तो दो अगर हैं तो कितने हो जाएंगे भाई, देखो दो अगर हैं तो दो दूना चार हो जाएगा। ऐसे सी एल भी एक पेयर देगा लेकिन चार की संख्या है तो चार इंटू दो हो जाएगा, तो दो दूना चार, चार दूना आठ, और आठ चार बारह, बारह इलेक्ट्रॉन ही पाएगा। कैसे नहीं, फिर से जोड़ देते हैं, एक एन एस थ्री एक पेयर देगा तो दो एन एस थ्री का मॉलिक्यूल कितना देगा, तो एक अगर दो दे रहा है तो दो कितना देगा, चार देगा इलेक्ट्रॉन। एक सी एल एक पेयर देता है, तो अगर चार सी एल हैं तो एक अगर एक पेयर दे रहा है और इसके चार अगर क्या हैं मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितने देंगे, चार इसके एटम हैं तो चार दूना आठ देंगे, और आठ चार बारह, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पा रहा है बारह। अठहत्तर इसका क्या है, अठहत्तर इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस चार करना है ऐसा, ऑक्सीडेशन नंबर चार है और इलेक्ट्रॉन कितना पाया है बारह ऐसा। अब जोड़ लीजिए, अठहत्तर में से चार माइनस की चौहत्तर हो गया, और चौहत्तर में बारह जोड़ दिया तो 74 में अगर 12 को जोड़ा तो हमको लग रहा है 86 हो जाएगा, 86 ये हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ऐसे। और भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें ढेर सारे हमारे पास थे तो मैंने जितना था मैंने सबको लिख दिया कि भाई फिर से ना देखना पड़े। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको देखिए NiCO का होल फोर करके है, तो ये निकल यहाँ पर ये है, निकल का जल्दी से खोजिए 28 है, 28 लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, CO का जीरो होता है तो निकल का जीरो आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आएगा ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जीरो कितना इलेक्ट्रॉन पाएगा, CO जो है मोनोडेंटेट है, चार हैं तो चार दोनों आठ पाएगा, यानी आठ इलेक्ट्रॉन पाएगा ऐसे। अब तो आसान हो गया है, अब क्या करेंगे भाई, 28 माइनस जीरो प्लस एट ये करना है, तो 28 में अगर आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया, 36 हो गया। अच्छा अगले को करके देखते हैं, ये है ऊपर से हटा दे, क्या ऊपर से हटा के कर रहे हैं तो ये नीचे वाला थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है हटा रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं ऊपर से हटा दे रहा हूँ दो चार, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा, आपको दिखाई भी अच्छे से देगा। तो ये देखिए मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, दो तीन हटा दे रहा हूँ, देखिए तो नीचे वाले को मैं ऊपर ले लूँगा, एक और हटा दें, चौथा भी हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे मुझे लग रहा है। और देखिए आप देखिए इसको K3 को मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, K3 है, Fe है, C2O4 है थ्राइस के साथ ऐसे, यही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो भाई सेंट्रल मेटल एटम पहले पहचान लेते हैं, तो भाई आयरन ही है पहला, वही है तो आयरन ही है ऐसा। एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है, 26 लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहीं पे निकालते हैं, क्योंकि K3 है तो K3 का मतलब है तीन, एक पोटेशियम पर एक चार्ज प्लस का है तो तीन पे तीन चार्ज। फिर आयरन के लिए X हो गया, C2O4 ऑक्सलेट है, C2O4 बाइडेंटेट है, तो C2O4 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक साथ ये बाइडेंटेट अगर है तो चार इलेक्ट्रॉन देगा, एक मॉलिक्यूल बाइडेंटेट है मतलब दो पेयर डोनेट करता है, और दो पेयर का मतलब हो गया चार इलेक्ट्रॉन एक, यानी अगर एक C2O4 है तो ये इलेक्ट्रॉन कितना देता है, चार देता है, दो लोन पेयर देता है, बाइडेंटेट है। कितने इसके तीन हैं, तो अगर तीन है तो चार तीन बारह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बारह इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा C2O4 ऑक्सलेट, यानी इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, बारह ऐसा, और 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अच्छा ये नहीं निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला क्या, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर अधूरे पे छोड़ दिया क्या। अच्छा तीन हो गए, इसको x लिख दिया, अच्छा चार्ज देख लो,
चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सलेट आयन पे माइनस टू का चार्ज है, ऑक्सलेट आयन पर माइनस टू का चार्ज है और कितने हैं, तीन हैं, तो इसका मतलब तीन और सब कुछ बराबर है जीरो के, कोई चार्ज ऊपर नहीं है। अब जोड़ लो, तीन हो गया प्लस एक्स हो गया और ये तीन दूना छः हो गया, माइनस छः बराबर जीरो ऐसा, और यहाँ पे करोगे तो माइनस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस तीन, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका है तीन है, प्लस तीन आ रहा है। तो ई एन कैसे निकलेगा, तो ई एन निकालना अगर है तो हो जाएगा 26 माइनस तीन ऐसा प्लस 12 ऐसा, 26 में से 3 23 हो गया है और 23 में 12 को जोड़ दोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, हमको लग रहा है 35 के बराबर हो जाएगा। तो 35 क्या आएगा, इसका ई ए एन नंबर आएगा। इस तरीके से 35 इसका ई ए एन नंबर आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और बस पहचानना है कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है, बस यही पहचानना है और कुछ नहीं करना है इसमें। भाई देखिए, तो हम लोगों ने किसको देख लिया, इसे देख लिया, अब नौवा बचा है, नौवा को भी यही लिख दे रहे हैं। देखिए अगला जो है वो है CO NH3 का होल 4 H2O Cl Cl2, कुछ नहीं, बड़ा कितना भी लिखा रहा कोई मतलब इसका नहीं है, आपको बस क्या करना है, जो बड़ा ब्रैकेट लगा है इसका पहला देखिए बस, यानी कहने का मतलब कोबाल्ट क्या है भाई, सेंट्रल मेटल एटम है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 27 है, बस इतना ही देखना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इधर देखिए काउंटर आयन लगा है, तो काउंटर आयन का मतलब है जितना काउंटर आयन पे चार्ज है उसके बराबर लेकिन उल्टा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, है इससे भी हटा दे क्या, इसे भी हटा देते हैं, देखो तो जगह हमारे पास हो जाएगा, तो इसे भी हटा दे रहे हैं, ये दो को भी हटाई दे रहे हैं तो जगह हमारे पास हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा जगह हो जाएगा तो बताने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, सब हटा दे रहे हैं, जहाँ तक हो गया बस वहीं तक रख रहे हैं। चलो देखो तो ये हो गया, अब बताने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, हमें जगह मिल जाएगा। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देखो भाई तो ये हो गया आपका CO हो गया X, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है तो 4 × 0, H2O भी कोई चार्ज नहीं है 0, Cl पे -1 का चार्ज है खाली -1, बराबर कितना चार्ज आएगा, देखिए एक Cl पे -1 है तो दो Cl पे -2 होगा, उसके बराबर इस पे चार्ज आएगा लेकिन उल्टा, तो Cl पे -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा +2 इस तरीके से। तो ये हो गया एक्स, हाई जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -1 बराबर +2, ये उधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा तो एक्स बराबर होगा +3 ऐसा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है। कितना इलेक्ट्रॉन पाया है, अब इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं भाई कितना कौन दे रहा है, देखो एक NH3 दो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक पेयर कितने हैं, 4 हैं, तो बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, किससे मिला, NH3 से मिला। ये वाटर के लिए देखो, एक वाटर दो देता है, कितने मॉलिक्यूल है, एक है, तो वाटर से ये वाटर का हो गया, ये NH3 का हो गया ऐसे। Cl को देख लो, Cl एक ही देगा, कितने इसके हैं, एक ही है, तो Cl एक पेयर देगा, एक पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 × 1 = 2, तो 8 × 2 = 10 × 2 = 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन ये टोटल पा रहा है। इसको नहीं जोड़ेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है, उसको नहीं जोड़ेंगे, ये लिगेंड नहीं है, काउंटर आयन है, 12, तो ये 12 पा रहा है ऐसा। अब फटाफट कर लीजिए, इसको माइनस इसको प्लस, तो देखिए 27 − 3 ब्रैकेट में +12 जोड़ लीजिए, 27 में से 3 गया 24 होता है और 24 में 12 जोड़ा 36 हो गया ऐसा। तो ये है, अब देखिए नेक्स्ट, हम लोगों ने किसको देख लिया, इसको और इसको भी देख लिया ना, इन दोनों को देख लिया, हटा दो भाई ये भी हटाओ, कन्फ्यूजिंग ना रहे। अब हमारे बचे तीन के और बचे हैं, अगर तीन देख लेंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई तो नेक्स्ट CO Cl2 En एंड SO4 ठीक, पहचानना है तो पहचाने के लिए कोबाल्ट ही है, तो कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल आइटम है, इससे पहले भी कोबाल्ट था तो 27 ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी, 27 ही रहेगा ऐसे। अब निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, देखिए ये एक्स है,
इसका आएगा माइनस वन, एक का है तो दो के लिए हो जाएगा माइनस टू, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। ईएन पे कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो रहता है ऐसा। सल्फेट आयन पर माइनस दो का चार्ज है, तो अगर माइनस दो इस पर चार्ज है तो इस पर प्लस दो आएगा ऐसे, जोड़ लीजिए तो हो गया x माइनस दो, ये जीरो हो जा रहा है बराबर प्लस दो, यानी x बराबर हो जाएगा चार के ऐसे। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो इससे लॉस्ट होगा चार होगा। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं देखो, एक Cl एक पेयर देगा, तो अगर Cl की बात करें तो Cl देगा कितना भाई, एक पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो हैं तो ये देंगे चार के बराबर। En बाइडेंटेट है, तो अगर En बाइडेंटेट है तो एक En जो है ये चार इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दो पेयर देता है, कितने हैं दो हैं तो ये कितना देगा आठ देगा, यानी आठ चार बारह इलेक्ट्रॉन इसको टोटल मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने मिल रहे हैं बारह, अब बस कुछ करना नहीं है, इसको माइनस कर लीजिएगा तो 27 माइनस चार प्लस 12 ये करना है, 27 में से 4 निकाल देंगे 23 हो जाएगा, और 23 में 12 जोड़ देंगे तो हमको लग रहा है ये 35 हो जाएगा ऐसे। तो 35 इसका क्या है, ईएन नंबर होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास है ये बॉन्ड वॉन्ड बनाने के बाद ऐसा, तो ये भी हो गया ऐसा। अगला जो है नेक्स्ट प्लेटिनम के साथ है, NH3 का होल 6 है 4+ है ऐसा। तो मेटल पहचानना है भाई, तो प्लेटिनम ही दिखाई दे रहा है, प्लेटिनम ही है ऐसा, और प्लेटिनम का 78 है तो 78 लिख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर 78 है इसका। NH3 है, NH3 के नाते 0 आएगा, इधर देखिए प्लेटिनम को अगर एक्स मानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6×0 आएगा, और ये बराबर आएगा प्लस 4 के, तो एक्स बराबर 4 आएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा है ये देख लेते हैं, एक NH3 की बात करें तो एक NH3 देगा 2, कितने हैं इसके मॉलिक्यूल 6, तो 6 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 में से 4 जाएगा तो 74 हो जाएगा, और 74 में अगर 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 86 ऐसा। तो ये भी हो गया हमारा, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट देख लेते हैं Pt+2। सेंट्रल मेटल एटम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम ही है, और 78 इसका फ्री एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, देखिए एक्स प्लस ये तो जीरो के बराबर ही है, तो जीरो है इज इक्वल टू प्लस टू के, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस टू, यानी ये दो आएगा ऐसा। और इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है इसको लिगेंड से, अगर देखिए NH3 की बात करें तो एक NH3 देगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके हैं तो 4×2=8 देगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं। अब अगर देखा जाए EN देखा जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर -2+8 ऐसा होगा, तो -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, और 76 में 8 को जोड़ देंगे तो 76 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमको लग रहा है ये 84 हो जाएगा ऐसा। इस तरीके से हमने ढेर सारे एग्जांपल किए हैं, और जिस भी तरीके से ई एन निकल सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ई एन जो है कैसे निकाला जा रहा है, तो ये तरीके हैं ई एन को निकालने के लिए। अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है कि ई एन जो निकल रहा है, एक्चुअली हम ई एन इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें पता चल सके कि जो लास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी हो रही है। अगर ये जो संख्या है नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल माना जाता है। नोबेल गैस का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला आपका इनर्ट गैस का ये है, कौन कौन सा हीलियम है, वो हीलियम से लेकर के कहाँ तक, रेडॉन तक। जैसा लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या है कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। देखिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीलियम का देखिए कितना होता है, 2 होता है ऐसा। हीलियम के बाद आता है नियॉन, नियॉन का कितना है 10 है, ऑर्गन 18 है, क्रिप्टॉन 36 है, क्रिप्टॉन 36 है, इसके बाद ज़ेनॉन है 54 के साथ है ऐसा, और रेडॉन जो है आपका आरएन है 86 ऐसा। तो ये नोबेल गैस है।
एक्चुअल में हम ई ए एन इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें पता चल सके कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है अथवा नहीं है। अगर सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर इसके बराबर आता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे इसको देखिए, ये यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और देखिए 36 किसका है, तो क्रिप्टॉन का है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 86 आ रहा है और इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 84 आ रहा है। तो देखिए 86 रेडॉन का है, इसका मतलब है ये आपका जो कॉम्प्लेक्स ये ज़्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल है अथवा नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।